हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल ग्राउथ। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही नॉलेजेबल होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम कैपेसिटर, जो आप देख सकते हैं, कैपेसिटर पर बात करेंगे और कैपेसिटर से जुड़ी बहुत ही अच्छी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो को आप पूरा एंड तक देखना। तो दोस्तों, किसी भी बोर्ड में अगर इस तरह से कैपेसिटर फट जाता है तो उसकी जगह पर हम कौन सा कैपेसिटर लगा सकते हैं, तो यही मैं आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। देखिए, कैपेसिटर फटा हुआ है तो इसकी जगह पे हम कौन सा कैपेसिटर लगाएं, और ये इसका जो ये कैपेसिटर पे जो इसकी वैल्यू लिखी रहती है ये भी हमें अगर नहीं मिलती है तो इसकी जगह पे हम कौन सा कैपेसिटर लगाएं, मैं एक बोर्ड दिखाना चाहूँगा आपको। तो देखिए, ये बोर्ड है जिसमें आप देख सकते हैं ये दो कैपेसिटर यहाँ पर फटे हुए हैं। ये देखिए, ये कैपेसिटर का कवर आप देख सकते हैं, और इसका कवर ये देखिए, ये पड़ा है। तो कैपेसिटर इस तरह से अगर फट जाता है तो इसकी जगह पे हम कौन सा कैपेसिटर लगा सकते हैं, ये बहुत से लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी, इस पर मुझे कमेंट भी किया था। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि कैपेसिटर आखिर फटता क्यों है, ब्लास्ट क्यों हो जाता है, और ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कैपेसिटर क्यों फट जाता है। तो दोस्तों, कैपेसिटर के फटने का एक ही रीज़न होता है, या तो कैपेसिटर के पॉजिटिव नेगेटिव जो कैपेसिटर पर लिखे हुए रहते हैं, देखिए कैपेसिटर पर लिखे हुए हैं, ये नेगेटिव है, दो प्रोब इसकी है, दो पिने हैं, इस तरफ का नेगेटिव है और इस तरफ का पॉजिटिव। तो कैपेसिटर अगर पॉजिटिव की जगह नेगेटिव पर और नेगेटिव की जगह पॉजिटिव पर इस तरह से अगर उल्टा इस बोर्ड में लग जाता है तो ये बहुत ही जल्दी ही एक मिनट में ही फट जाता है, ब्लास्ट हो जाता है। इसके अलावा दूसरा कारण, कैपेसिटर किसी भी बोर्ड में, जैसे ये बोर्ड है इसमें लगा हुआ है, तो इसमें हमारा SMPS सप्लाई है, SMPS सप्लाई के सेकेंडरी में, ये सेकेंडरी में अगर सप्लाई वोल्टेज ज़्यादा आ जाते हैं, ओवर वोल्टेज जब हो जाता है तो ये कैपेसिटर कुछ मिनट चल करके ब्लास्ट हो जाता है, फट जाता है। फटने का कारण यही है। तो देखिए, जो मेरे पास कैपेसिटर है ये 4700 माइक्रोफेराड 25 वोल्ट का कैपेसिटर है। तो कैपेसिटर कब तक काम करता है, इस पर ये 25 वोल्ट इसकी वर्किंग वोल्टेज यहाँ पे लिखी हुई है, तो 25 वोल्ट तक काम करेगा, क्योंकि इसकी वर्किंग वोल्टेज 25 वोल्ट है, 25 वोल्ट तक ये काम करेगा। 25 वोल्ट से अगर इसे ज़्यादा सप्लाई मिलेगी तो ये ब्लास्ट हो जाएगा, फट जाएगा। इसी तरह से देखिए, ये जो कैपेसिटर है वर्किंग वोल्टेज 63 वोल्ट तक है, ठीक है, तो ये 63 वोल्ट तक आसानी से काम करेगा। 63 वोल्ट से अगर इस पर वोल्टेज बढ़ जाएंगे तो ये ब्लास्ट हो जाएगा, फट जाएगा। तो यही वजह होती है जिसकी वजह से कैपेसिटर फट जाता है, कि बोर्ड में कैपेसिटर फट गया है तो फिर इस तरह से इसका जो इसके ऊपर वैल्यू लिखी रहती है वो वैल्यू भी अगर हमें दिखाई नहीं देती है, और हमें नॉलेज नहीं है कि कौन सा कैपेसिटर हमें लगाना है, ये हमें अगर नॉलेज नहीं है तो इसकी जगह पे जो ये कैपेसिटर फटा है इसकी जगह पे कौन सा हमें लगाना है। तो इस कैपेसिटर लगाने के दो तरीके हैं, या तो हमारे पास सर्किट डायग्राम होना चाहिए, तो सर्किट डायग्राम में हम देख करके आराम से आसानी से इसे लगा सकते हैं कि कौन से वैल्यू का कैपेसिटर यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों, सर्किट डायग्राम हर मैकेनिक के पास नहीं होता है, और अगर किसी मैकेनिक के पास सर्किट डायग्राम है तो उसके पास सभी मॉडल का डायग्राम अगर नहीं मिलेगा, अगर किसी मैकेनिक के पास सर्किट डायग्राम मिल भी जाता है तो सभी मॉडल्स का सर्किट उसके पास नहीं मिलता है, और हमारे पास सर्किट डायग्राम नहीं है तो फिर कैसे लगाएं, ये बात आती है। तो इसके लिए दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, हमें ये देखना होगा कैपेसिटर कहाँ पर लगा हुआ है, कैपेसिटर का ये देखना होगा कि कहाँ पर लगा हुआ है। यहाँ पर जिसे इस बोर्ड में लगा है तो ये सेकेंडरी के साइड में लगा है, तो ये देखना होगा कि कैपेसिटर कहाँ पे लगा हुआ है, और जिस जगह पे कैपेसिटर लगा हुआ है उस जगह पर कैपेसिटर का काम क्या है, मतलब उस कैपेसिटर का यूज क्या है, किस काम में लिया गया है, तो ये देखना ज़रूरी होता है कौन सी वैल्यू का कैपेसिटर यहाँ पे लगाना है। तो इसके लिए यही देखना होगा कि जो बोर्ड है इसमें ये देख सकते हैं, यहाँ पर एक डायोड लगा है और डायोड से ये पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ पर एक डायोड लगा है और ये कैपेसिटर यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, ये इस साइड का नेगेटिव है क्योंकि ग्राउंड से जुड़ा हुआ है,
इस साइड की लाइन नेगेटिव से जुड़ी है और इस साइड की लाइन पॉजिटिव से है। यहाँ पर एक डायोड लगा है, तो यहाँ पर ये कैपेसिटर का काम है फिल्ट्रेशन का, क्योंकि कैपेसिटर के अलग अलग काम होते हैं। तो कैपेसिटर जहाँ पे लगा है उसको ये देखना ज़रूरी है कि कैपेसिटर किस काम में लिया गया है, ठीक है। तो ये फिल्ट्रेशन का काम के लिए लगाया गया है, तो यहाँ पर हमें इसकी वोल्टेज का भी पता नहीं है कितने वोल्ट यहाँ पर आ रहे हैं डायोड के कैथोड पर। तो यहाँ पर हमें सबसे ज़्यादा वैल्यू का कैपेसिटर यूज़ करना होगा। जैसे यहाँ पर हमें अभी पता नहीं है कि कितने वोल्ट आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर इस तरह का कैपेसिटर यूज़ करेंगे। जैसे 470 माइक्रोफैराड 63 वोल्ट का कैपेसिटर है, अभी यहाँ पर 63 वोल्ट नहीं आते हैं, आपको पता है सबको 63 वोल्ट नहीं मिलेंगे, लेकिन हमें ज़्यादा वैल्यू वर्किंग वोल्टेज का कैपेसिटर यहाँ पर यूज़ करना है, ठीक है। और फिर ये लगा करने के बाद ये 470 माइक्रोफेराड, ये आप 1000 भी ले सकते हैं, लेकिन वर्किंग वोल्टेज 50 वोल्ट 40 वोल्ट से कम नहीं लेना है, क्योंकि हमें यहाँ पर आने वाले वोल्टेज का पता नहीं है, ठीक है। तो ये इस तरह से कैपेसिटर लगा देना है, और फिर इसको बोर्ड को ऑन करने के बाद यहाँ पर वोल्टेज चेक करना है कितने वोल्ट आ रहे हैं। यहाँ पर मान लीजिए 25 वोल्ट आ रहे हैं, तो हम यहाँ पर 25 वोल्ट का कैपेसिटर नहीं लगाएंगे, 35 वोल्ट का कैपेसिटर लगाएंगे, तो हमारा कैपेसिटर कभी भी ख़राब नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह से हम किसी भी बोर्ड में लगे हुए कैपेसिटर को वैल्यू को लगा सकते हैं। और ज़्यादातर कैपेसिटर पावर सेक्शन जहाँ पे होता है, वोल्टेज ज़्यादा होते हैं, वहीं पे कैपेसिटर ब्लास्ट होता है। इधर देखिए, इस साइड में आपको नहीं दिखा रहा हूँ, इस साइड में कभी भी आपको कैपेसिटर फटा हुआ या ब्लास्ट हुआ नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा वोल्टेज नहीं आते हैं। जितने वोल्ट का कैपेसिटर है, मान लीजिए ये कैपेसिटर है, ये 1000 माइक्रोफेराड 50 वोल्ट का कैपेसिटर है, इस पर अगर 40 वोल्ट आ रहे हैं तो ये कैपेसिटर ख़राब नहीं होगा। अगर 50 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज इस कैपेसिटर को मिलेंगे तो ये कैपेसिटर ब्लास्ट हो जाएगा, फट जाएगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पर जो भी कैपेसिटर फटे हैं उनके ऊपर ज़्यादा वोल्टेज का कैपेसिटर यूज़ करना है, और उसके बाद वोल्टेज सर्किट को ऑन करने के बाद वोल्टेज चेक करना है, और फिर हमें जितने वोल्ट आ रहे हैं उससे कुछ ज़्यादा वोल्ट का कैपेसिटर हम लगा देंगे, तो प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी और हमारा कैपेसिटर कभी भी ब्लास्ट नहीं होगा। तो दोस्तों, यही था आज की वीडियो में। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और जो लोग हमारे चैनल में नहीं आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, इसके साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लेना।